क्या करते हैं, हम ट्विस्टर्स बनाते हैं तो हम डायरेक्टली यूं करके ट्विस्टिंग कर लेते हैं, आपने ये मेथड नहीं यूज करना है, ठीक है। इससे मैं फ्रंट के हेयर्स कर्ल करूंगी। हम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ईजी हेयर स्टाइल शेयर करूंगी जो कि आप 5 मिनट्स में बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने सेंटर पार्टीशन करना है, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाले हेयर्स हम फ्रंट पर निकाल देंगे क्योंकि हम इनको कर्ल्स करेंगे, और यहाँ से आपने इस तरीके से पार्टीशन करना है, ठीक है। ये सेक्शन आपने करने के बाद आपने क्या करना है, ट्विस्टिंग करनी है, ठीक है। ट्विस्टिंग आप कैसे करेंगे, हेड ऊपर करिए थोड़ा सा, इस तरीके से आपने थंब को अंदर रख के इस तरीके से ट्विस्टिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। टोटली आपने ट्विस्टिंग करनी है, और ये देखें आप, ये कितना प्यारा सा ट्विस्टर हमारा बन गया है। इस तरीके से आप यहाँ पिन अप करेंगे, देन हमने सेक्शन जो है सेकेंड निकालना है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन भी हमने सेम इसी तरीके से करना है, और आपने मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ट्विस्टर्स बनाते हैं तो हम डायरेक्टली यूं करके ट्विस्टिंग कर लेते हैं, आपने ये मेथड नहीं यूज़ करना। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही ट्विस्टिंग स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से ही आप इसको इनर साइड पे फोल्ड करती चली जाएंगी, और इस तरीके से आप इसको ट्विस्टिंग करते हुए इस तरीके से पूरा ट्विस्टर अपना बना लेंगी, ठीक है। ये देखें आप कितना फिनिशिंग से और कितना अच्छा ट्विस्टर हमारा बना है, और इसका लुक भी कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्विस्टिंग करनी है, और ये हमारा बहुत इजी हेयर स्टाइल है, पार्टी हेयर स्टाइल। सेम हमने पार्टीशन करना है, सेक्शन करना है, और हमने थंब को इनर साइड पे रख के स्टार्टिंग से ही ट्विस्टिंग स्टार्ट करनी है, और इस तरीके से आप लाइट लाइट इसको टाइटली ट्विस्ट करते जाएं, और इसको बैक साइड पे यहाँ ला के इसको पिन अप कर दें, ठीक है। ये देखिए आप इसका लुक, ये वाली साइड के हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। अब हम उस साइड पर भी सेम यही ट्विस्टिंग करेंगे, हमने सेक्शन करना है, ठीक है। व्यूअर्स, हमारी ये वाली साइड जो थी वो इस साइड पे टर्न थी, और हम ये वाली साइड को उस साइड पे टर्न करेंगे, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे हमने भी थंब रख के ही अपनी स्टार्ट करना है, और इस तरीके से आप इसको ट्विस्ट करते जाएंगे फिंगर्स से अपने, ठीक है, और इसको एंड तक आपने ट्विस्ट करके इधर फिक्स करना है, ठीक है। ये देखें आप, सेम मैंने मेथड यूज़ किया है, और मैंने इसकी टर्निंग उस साइड पे की है ताकि ये दोनों साइड सेंटर तक ही आएँ, और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से, ठीक है। सेम आपने सेक्शन करना है, ठीक है, और सेम आपने देखें आप इस चीज़ को देखें कि मैं थंब को किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ अपने जो है फिंगर्स के साथ हेल्प करते हुए। इस तरीके से आप ट्विस्टिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप डायरेक्टली थंब नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ट्विस्ट करके इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये वाली फिनिशिंग नहीं आएगी, स्टार्ट से ट्विस्टिंग नहीं लगेगी, वो स्ट्रेट वाला लुक आएगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें ट्विस्टिंग चाहिए, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है पार्टी लुक के लिए, बहुत अच्छा और ईजी हेयर स्टाइल है जो कि हर लड़की जो है खुद से बना सकती है। तो व्यूअर्स, सेम हमने ये वाली लास्ट वाली को भी इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है, ठीक है, और सेम हमने मेथड से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। व्यूअर्स, ये सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए न्यू से न्यू हेयर स्टाइल्स लेकर आती हूँ ताकि आप इजी हेयर स्टाइलिंग और इजी टेक्निक्स के साथ सीख सकें, ठीक है। अच्छा जी, हमारा ये हेयर डू तो डन हो चुका है। अब हमारे पास फ्रंट पे जो हेयर्स हैं उसको टोटल हमें लुक देने के लिए हम इसको कर्ल्स करेंगे। मेरे पास रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है, ठीक है, इससे मैं फ्रंट के हेयर्स कर्ल करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें हैवी नहीं चाहिए, लाइट लाइट ही हम कर्लिंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल सा लुक देंगे कर्ल्स का, ठीक है। इस तरह सेक्शंस में आप कर्लिंग कर लें। ये देखें आप लाइट लाइट इसको टर्निंग करके इसको लूज कर्ल्स कर लें, ठीक है। ये देखें इसका लुक, हमें ज़्यादा हैवी नहीं देना, तो इस मैंने उस हिसाब से ही कर्लिंग की है। आप इसके साथ स्ट्रेट करके भी इसको लुक दे सकते हैं, तो स्ट्रेटनिंग का लुक भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल लाइट लाइट ही हमने कर्लिंग की है, बहुत हैवी लुक नहीं दिया। सेम हम उस साइड पे भी कर्ल्स करेंगे, सेम हम यहाँ पे भी कर्लिंग करेंगे, ठीक है, लूज लूज से हमने कर्लिंग करनी है, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, स्ट्रेटनर से कर्ल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं होते, बहुत बाउंसी से कर्ल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लुक।
ठीक है। सो व्यूअर्स, हमारा हेयर स्टाइल डन हो चुका है। आज का हमारा हेयर डू डन हो चुका है। आप सब देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। बहुत इजी एंड क्विक हेयर स्टाइल है जो कि आप इजीली बना सकती हैं। मेरा हेयर स्टाइल आज का आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।